नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरुषि फैशन में। आज हम आपको टू पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज डिज़ाइन बनाना बताएंगे। अगर डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह हमारा अस्तर है, यह हमारा मेन कपड़ा है। यह हमने ब्लाउज की लंबाई 14 इंच लिया, तैयारी 13.5 इंच रखना है। ब्लाउज की चौड़ाई 34 इंच है, चौथाई भाग हमने 8.5 इंच ले लिए हैं। आर्मूल की गोलाई 6 इंच है, शोल्डर पौने 6 इंच है। अब हम निशान लगा लेंगे, यहाँ हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे, यहाँ हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्मूल की गोलाई हम 1 इंच ले लेंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे, और यहाँ हमें 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इस निशान से इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे, इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए शेप दे देंगे। इसको इस तरीके से मिला लेंगे, ये हमने इस तरीके से मिला लिए हैं। अब यहाँ से हम नाप लेंगे कितना है, ये हमारा 5 इंच है, यहाँ पे भी 5 इंच है। अब यहाँ से हमें निशान लगा लेना है, तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले ये वाली निशानों को कटिंग कर लेना है। अब हम इस वाले निशानों को भी कटिंग कर लेंगे, ये हमने इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। अब इस वाले निशानों को सीधी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। अब गले की जो कटिंग करेंगे तो हम बकरम पे कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बकरम है, बकरम को डबल फोल्ड कर लेंगे। बकरम की लंबाई 8.5 इंच है, बकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड करके 4.25 इंच है। यहाँ हमें 3.25 इंच पे निशान लगा लेना है। गले की गहराई 6.5 इंच है, नीचे हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसकी सीधी लकीर खींच लेंगे, इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे, ये हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। अब हम गले का शेप दे देंगे। ये हमने गले का शेप दे दिए हैं। अब बाहर से निशान लगा लेंगे, बाहर से लगभग 1 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिए, अब कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर से कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर लिए हैं बाहर से, अब अंदर से कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया इस तरीके से। अब इसे हम अस्तर पे पेस्ट कर लेंगे। ये हमने गले पट्टी को अस्तर पे पेस्ट कर लिए हैं। ये हमारा मेन कपड़ा और अस्तर है, ये गले वाले भाग हमने ले लिए हैं। तो ये हमने मेन कपड़े और अस्तर को एक साथ रख लिया। अब सेंटर में सिलाई कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से सिलाई कर लिए हैं। अब इसको फोल्ड करके हम सेंटर मिला लेंगे। ये हमारा सेंटर है, अब सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। अब इसे हमने खोल लिए हैं। अब गला पट्टी में भी हमें सेंटर में निशान लगा लिए हैं। अब दोनों सेंटर को मिलाते हुए सीधी सिलाई कर लेंगे। ये हमने सिलाई कर ली है सेंटर में। अब गले के किनारे पे सिलाई कर लेना है। ये हमने गले के किनारे पे सिलाई कर लिए हैं। अब ये जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर लेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया, अब किनारे से कट कर लेंगे। ये हमने किनारे से कट कर लिया, अब इसको पलट के हमें सिलाई कर लेना है। तो इस तरीके से पलट लेंगे और गले के किनारे पे सिलाई कर लेंगे।
ये हमने गले के किनारे पे सिलाई कर लिए हैं। अब इसके चारों साइड से सिलाई कर लेना है। ये हमने इस तरीके से चारों साइड सिलाई कर लिए हैं। ठीक, इस तरीके से हमने इन पल्लों में भी अस्तर के साथ चारों साइड से सिलाई कर लिए हैं। अब इसे सेट कर लेंगे। तो इसको इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। ये हमने इस तरीके से पल्ले सेट कर लिए हैं। ठीक इसी तरीके से दूसरे साइड भी पल्ले को सेट कर लेना है। ये हमने दोनों पल्ले सेट कर लिए हैं। अब गले में हमें मोती वाली लैस सेट कर लेना है। ये हमारा लैस है। अब इस लैस को हमें सेट कर लेना है। ये हमने इस तरीके से सेट कर लिए हैं। अब नीचे से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने नीचे की साइड भी कपड़े को फोल्ड कर लिए हैं। तो इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है। ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के नए नए ब्लाउज के डिज़ाइन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।